फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से लगभग 6 महीने पहले लापता हुए मंदबुद्धि बच्चे को स्टेट क्राइम की टीम ने खोज कर उनके परिजनों के हवाले करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि बच्चा मंदबुद्धि है जो बोलने और सुनने में असमर्थ है। इसी के चलते बच्चा घर से भटक गया था और भटकते भटकते पाली स्थित अनादि वृद्ध सेवा सदन आश्रम में जा पहुंचा था, जहां पिछले 6 महीने से रह रहा था। बता दें कि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे के गुम होने की सूचना बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 6 महीने से बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाने की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और बच्चे को फरीदाबाद जिले में ही होने के बावजूद तलाश नहीं पाई थी। हमारे पास करीब ये 6 महीने पहले आए थे, दिसंबर ठंड का महीना था, लेकिन शरीर पे उतने कपड़े नहीं थे जब ये आया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिनों से खाना नहीं मिला है, कपड़े नहीं हैं, कहीं भटक गया है। तो मेरे हिसाब से ये 16, 17, 18 के बीच में दिसंबर में आए थे हमारे पास, तब से हमारे आश्रम में ये रह रहे हैं। ये अनादि सेवा प्रकल्प द्वारा चलाया जाता एक वृद्ध आश्रम है, अनादि वृद्ध सेवा सदन इसका पूरा नाम है, और ये फरीदाबाद के पाली गांव में पाली के टी पॉइंट पे ये आश्रम है। देखिए, आज तक तो हमें केवल इसका नाम भाभी ही हम सब जानते थे, क्योंकि इससे कुछ भी पूछिए तो इसका रिप्लाई केवल भाभी आता था। आज हमें इनके पेरेंट्स से पता चल रहा है, इनके भैया भाभी से पता चल रहा है कि इनका नाम सचिन है, तो अब हम बोर्ड से इनका नाम भाभी हटाकर सचिन लिखेंगे। देखिए, खुशी तो चेहरे पर झलक जाती है, और जिस तरह का भाव हमने उन भाभी जी पे देखा तो लगा कि हाँ, इनको सचमुच खुशी है कि इनको इनका देवर भाई बेटा जो भी कहिए मिल गया। ये बच्चा, इसका नाम सचिन है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और इसका मुकदमा आदर्श नगर थाने में 206 नंबर मुकदमा है। करीब 6 महीने पहले इसका मुकदमा दर्ज हुआ था, और डीजी क्राइम ओपी सिंह साहब के आदेश अनुसार ये मुकदमा हमारे स्टेट क्राइम में जांच के लिए आया। तो इस मुकदमे में करीब मैं 2 महीने से जाँच कर रहा था, और हमने अपने ज़िले का, दिल्ली NCR का, आसपास के, क्योंकि बच्चा ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर है, तो जो आदमी फिट हो उसको हम टेक्निकल रूप से या किसी और माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा जरिया तो रोड पे घूमता हुआ मिलता, या कहीं ना कहीं काम करता मिलता, या फिर किसी आश्रम मिलता। तो उसी के ब्याह पे हमने पूरे दिल्ली NCR के एक एक आश्रम छान मारा, और लगे हुए थे लगातार 1-1.5 महीने से। पूरा परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा था, परिवार के हर एक आदमी का मेरे साथ जाया करते, मैं भी रोज इसको ढूंढने के लिए जाया करता। तो हमें इसी अभियान में एक दिन सूचना मिलती है कि जो बच्चा है सचिन है, अनादि आश्रम पाली गांव में रह रहा है। तो उसी ब्याह पे आज परिवार को सूचना दे के, जो कुछ परिवार कासगंज UP का रहने वाला है वहाँ रह रहा है, और उसके भैया भाभी फरीदाबाद में रहते हैं, सभी को बुलाकर अनादि आश्रम में आज बच्चे को सारी कानून कार्रवाई पूरी करके बच्चे को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं बच्चे के मिलने के बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी दोबारा लौट आई है, और वे स्ट्रीट क्राइम की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। ये मेरे देवर हैं सचिन, जो मानसिक तौर से स्थिति सही नहीं है उनकी, बचपन से ही ऐसे ही है, अचानक ही घर से दिमाग ऐसे ही हो गया था, निकल गए। कितने महीने पहले से लापता थे? 6 महीने 13 दिन हो गया सर। क्या कहेंगे, अब आपके देवर मिल चुके हैं, अब स्टेट क्राइम ब्रांच के SI ने कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला है इनको, क्या कहेंगे आप पुलिस के सिपाही? मैं तो इनका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, कि ये जो भी हुआ है सर की मेहनत का नतीजा है, और साथ में उनका धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। कहाँ कहाँ ढूंढा था आपने? यार, हमने बहुत जगह ढूंढा था, यहाँ तक हमारी कोशिश हुई, दिल्ली, फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, यहाँ बहुत जगह पर ढूंढा था, गोड़गांव वगैरह सब बहुत जगह घूमाए थे सर हम, लेकिन कहीं भी कोशिश नाकाम हुई। बहरहाल 6 महीने बाद बच्चा अपने परिजनों तक पहुंच गया है, लेकिन इस मामले ने फरीदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि फरीदाबाद के थानों में दर्ज होने वाले गुमशुदगी के मामलों में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस कितनी संजीदगी से काम करती है। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।